गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन 5, गॉड ऑफ विजडम। गॉड ऑफ विजडम का अर्थ होता है बुद्धि के देवता। तो आज हम बुद्धि के देवता यानी लॉर्ड गणेशा के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यू मस्ट हैव सीन गणेशाय नमः रिटन ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ बुक्स, ऑन द डोर ऑफ हाउसेस, on the shops and buildings, and at the starting page of account books. You have watched that on every books, in everything, when we start something, the before starting anything, we have we will write Ganeshaya Namah or spoke Ganeshaya Namah before starting anything। मतलब आपने ये देखा होगा कि कुछ भी शुरू करने से पहले हम सबसे पहले Ganeshaya Namah या फिर Ganeshaya Namah बोलते हैं। You would also have seen Lord Ganesha worshipped with Goddess Lakshmi on Diwali night। When Diwali comes, we worshipped Goddess Lakshmi, and with Goddess Lakshmi we worship Lord Ganesha. It is natural that you are curious about Lord Ganesha and his importance. It is natural that you are willing to know about Lord Ganesha and his importance. मतलब आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि लॉर्ड गणेशा कौन थे और उनकी जो उपयोगिता है वह क्या है। ही इज़ कॉल्ड द गॉड ऑफ विजडम, मीन्स लॉर्ड गणेशा नोस फॉर हिज डिवाइन इंटेलिजेंस, मीन्स वो बुद्धि के देवता के नाम से जाने जाते हैं। विदाउट वर्शिपिंग लॉर्ड गणेशा नो गुड वर्क इज स्टार्टेड। As I told you that no good work is started without worshipping Lord Ganesha। मतलब कोई भी हम अच्छा कार्य करने से पूर्व Lord Ganesha का नाम लेते हैं। It is universally known that no work is done without any reason। आपको यह मालूम होगा, यह सत्य मालूम होगा कि कोई भी काम बिना कारण के नहीं होता है। Why did Lord Ganesha take birth? Means why Lord Ganesha come in this world and why he took birth on this world? The answer is hidden in this story। मतलब इस बात का जो आंसर है वह इस स्टोरी में सीक्रेट है, मतलब छुपा हुआ है। एट द एंड ऑफ द्वापर पीरियड एंड इन द बिगनिंग ऑफ कलयुग पीरियड, पीपल गॉट लॉर्ड शिवा ब्लेसिंग फॉर वर्शिपिंग हिम एट द सोमनाथ टेम्पल। मतलब जब द्वापर युग का अंत था और कलयुग की शुरुआत थी, तो पीपल जो है, मतलब व्यक्ति जो है, वह सोमनाथ टेम्पल जाता था लॉर्ड शिवा के दर्शन करने के लिए। सोमनाथ टेम्पल में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिव जी का मंदिर है, वहाँ पे लोग लॉर्ड शिवा के दर्शन करने जाते थे और उनकी ब्लेसिंग्स, मतलब उनका आशीर्वाद लेते थे। दे बिकम फ्री फ्रॉम देयर सिंस जस्ट बाय वर्शिपिंग लॉर्ड शिवा। मतलब वहाँ पे दर्शन करने से लोग, व्यक्तियों के जो पाप है वह धुल जाते थे। मतलब लॉर्ड शिवा के सिर्फ दर्शन मात्र से ही लोगों के वहाँ पे पाप धुल जाते थे। द डोर ऑफ सालवेशन हैड बिकम ओपन फॉर द कॉमन मैन। मतलब जो आम आदमी हैं उनके जो मोक्ष के द्वार हैं वह सोमनाथ मंदिर में खुले हुए थे कि आप दर्शन करो और अपने मोक्ष के द्वार खोलो, मतलब स्वर्ग के द्वार खोलो। Now people went to heaven directly by the blessings of Lord Shiva।
मतलब अब लॉर्ड शिवा के दर्शन से उनका आशीर्वाद पाके सभी व्यक्ति जो है स्वर्ग के द्वार में चले जाते थे।